नमस्कार, मैं हूं अग्रिमा जाधव और प्राइम न्यूज 24 में आप सभी का स्वागत है। खबर हरियाणा से है, जहां मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 74वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पंचकुला से प्रदेशवासियों को बधाई एवं शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर उन्होंने देश की आजादी के लिए अपनी जान की कुर्बानी देने वाले शहीदों को याद किया और नागरिकों से देशभक्ति, कर्तव्य निष्ठा और हर कीमत पर आजादी की रक्षा करने का प्रण लेने का आह्वान किया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि कोरोना ने हमारे मुंह पर मास्क लगा दिया पर हमारे हाथों को नहीं बांधा है। कोरोना ने हमारी रफ्तार को जरूर रोका है पर हमारे हौसलों को नहीं रोक पाया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना वॉरियर्स ने मानवता की महान सेवा की है। उनमें डॉक्टर्स, नर्स व अन्य चिकित्सा स्टाफ, समाज सेवक, पुलिसकर्मी, सफाईकर्मी, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता आदि शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने अपनी जान की परवाह नहीं करते हुए मानवता की सेवा करने वाले योद्धाओं को सम्मानित भी किया। इस अवसर पर अपने संबोधन में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सरकार की कल्याणकारी योजनाएं और नीतियां भी प्रदेशवासियों से साझा की। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए लोगों की उपस्थिति कम से कम रखी गई और कार्यक्रम का विभिन्न टीवी चैनलों के माध्यम से सीधा प्रसारण कर आम जनता को घर बैठे देखने की सुविधा प्रदान की गई। प्राइम न्यूज 24 के लिए संदीप कुमार की रिपोर्ट। हमने हर व्यक्ति के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, स्वावलंबन व स्वाभिमान सुनिश्चित करने की दिशा में अनेक योजनाएं बनाई हैं। ठीक उसी तरह असंभव से दिखने वाले कार्य जैसे रजिस्ट्रियों में भ्रष्टाचार को बंद करना, पारदर्शिता के लिए सख्त कदम उठाना, बीपीएल परिवारों के राशन व्यवस्था में ठगी को बंद करना, हरियाणा के हजारों गांवों को लाल डोरे से मुक्त करना, मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के तहत 6 लाख से ज़्यादा परिवारों को सीधी सहायता पहुंचाना और हरे हरियाणावासी का परिवार पहचान पत्र बनाकर उसे सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाना, सभी कार्य सुनिश्चित किए गए हैं। मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना, अम्बेडकर मेधावी छात्र योजना, अंत्योदय योजना आदि द्वारा गरीबों को लाभ दिए जा रहे हैं। इस वर्ष हमने सुशासन का संकल्प लिया है। ये वर्ष सुशासन संकल्प वर्ष ये मनाया जा रहा है। जंजीरें केवल गुलामी की अंग्रेजों की नहीं थी बल्कि एक मानसिकता की भी थी जिसने देश को आगे नहीं बढ़ने दिया। सत्ता को शासन का जरिया बनाकर रखा, कभी जनता की सेवा का ख्याल नहीं रखा। हमें इस मानसिकता से भी देश को आज़ाद करना है। हम सुशासन शब्दों से, कागजों से और बातों से नहीं लाएंगे बल्कि सुशासन समाज को संकल्प से और सभी को साथ लेकर लाएंगे। इस ऐतिहासिक दिवस पर जब हम अपना स्वतंत्र दिवस मना रहे हैं तो आइए राष्ट्र की एकता और अखंडता को बनाए रखने तथा देश के नव निर्माण के लिए मिलकर काम करने की शपथ लें। इस पावन अवसर पर मैं फिर से एक बार भारत के स्वतंत्रता संग्राम के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और हरियाणा के कर्मठ लोगों के उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ। जय हिंद, जय हरियाणा।